फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग वीलॉग्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूनियन बजट ऑफ इंडिया, जिसको कि आम बजट भी कहा जाता है। आम बजट जो हर एक इंडियन सिटीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, एक्चुअल में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि इंडिया के फिस्कल ईयर के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। ये हर साल 1st day of February को प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एप्रोप्रिएशन बिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है फंड्स विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स, एंड फाइनेंस बिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है फंड्स रेज करने के लिए थ्रू टैक्सेस, सेस एक्सेट्रा। आफ्टर प्रेजेंटेशन ये दोनों ही बिल्स पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाने पर बजट के सारे प्रोविजंस फिस्कल के स्टार्ट डेट 1st of April से फोर्स में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूनियन बजट ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का आर के शानमुकम शेट्टी, जो कि प्रोफेशन से एक लॉयर थे, इन्होंने 1947 में प्रेजेंट किया था। तब इंडिया का टोटल रेवेन्यू 171 करोड़ था 2018 में, जो कि बढ़कर 22.7 लाख करोड़ हो गया है। फैक्ट नंबर 2, हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेशंस। हाईएस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेशन इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मुरारजी देसाई, इन्होंने टोटल 10 टाइम्स बजट प्रेजेंटेशन दिया है, फॉलोड बाय पी चिदम्बरम, इन्होंने टोटल 9 टाइम्स बजट प्रेजेंटेशन दिया है, फॉलोड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, इन्होंने टोटल 8 टाइम्स बजट प्रेजेंटेशन दिया है। मुरारजी देसाई, इन्होंने अपने बर्थ डेट्स पर 1964 एंड 68 में बजट प्रेजेंटेशन दिया था। फैक्ट नंबर 3, Only woman finance minister to present the budget. Indira Gandhi एक ऐसी finance minister and former prime minister है जिन्होंने budget presentation दिया था। इन्होंने 1969 में when Morarji Desai resigned as finance minister, इन्होंने budget presentation दिया था। Number 4, Dream budget. पी चिदम्बरम जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने 1997-98 में एक ऐसा बजट प्रेजेंटेशन दिया जिसको कि अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते एक ड्रीम बजट कहा गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे कि लोअरिंग इनकम टैक्स रेट्स, रिमूवल ऑफ सरचार्ज ऑन कॉरपोरेट टैक्सेस एंड रिडक्शन ऑफ कॉरपोरेट टैक्स रेट्स, जिससे कि MNCs को काफ़ी बेनिफिट हुआ। फैक्ट नंबर 5, ब्रेकिंग अ 92-year-old प्रैक्टिस। टिल 2016 रेलवे बजट एंड यूनियन बजट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट किया जाता था इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मोदी गवर्नमेंट ने 2017 इन 1st of February ये डिसीजन लिया, जिसमें कि अरुण जेटली एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने इन दोनों ही बजट्स को कंबाइन कर दिया और तब से अब तक इन दोनों बजट्स को यूनियन बजट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड फुल बजट। इंटरिम बजट एक फुल फेज बजट नहीं होता, इसके बजट प्रोविजंस पूरे फिस्कल ईयर पे अप्लाई नहीं होते और इसके अंदर अनाउंसमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम इन फ्यूचर ये नहीं किया जाता। इसको एक वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। फुल बजट के प्रोविजंस पूरे फिस्कल ईयर पे अप्लाई होते हैं, इसके अंदर पूरा टैक्सेस एंड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इसका पूरा लेखा जोखा किया जाता है और इसके सारे प्रोविजंस जैसे कि फंड्स, एक्सपेंसेस, फ्यूचर वेज ऑफ फंड्स, ये पूरे फिस्कल ईयर पे अप्लाई होते हैं। फैक्ट नंबर 7, हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी एक बहुत ही पॉपुलर सेरेमनी है जो कि प्री बजट प्रेजेंटेशन के प्रिंटिंग प्रोसेस के कमेंसमेंट को सिग्निफाई करता है। बजट प्रोसेस एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। बजट मेकिंग प्रोसेस जब डॉक्यूमेंटेशन फेज में आता है, तब सारे एम्प्लॉयज को बेसमेंट के अंदर लॉक कर दिया जाता है और मोबाइल या इंटरनेट प्रोविजंस बहुत ही सिक्योर कर दिए जाते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेंडिंग वी लॉग्स. And please don't forget to press the bell icon. Thank you.